टू माई चैनल टेक जीनी। तो चला आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi के एक और नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि है Xiaomi Mi A2 Lite। Yes, अब तक तो हम लोग को Xiaomi Mi A2 के लॉन्च डेट के भी बारे में नहीं पता, बट ऑलरेडी हम लोग Xiaomi Mi A2 Lite के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बट उम्मीद है कि Xiaomi का Mi A2 जल्दी ही इंडिया में लॉन्च हो जाए। कुछ ही दिन पहले ये स्मार्टफोन सिंगापुर वेबसाइट पे हम लोग को लिस्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा था, एंड ऐसा कहा जा रहा था कि ये स्मार्टफोन शायद से Redmi 6 हो सकता है। बट ये सारे रूमर्स गलत निकल गए क्योंकि गिज़्मो चाइना के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये स्मार्टफोन Xiaomi का Mi A2 Lite है, ना कि Redmi 6। एंड ऑलरेडी Redmi 6 एंड 6a तो लॉन्च हो चुके हैं। तो चले अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये स्मार्टफोन के बारे में। तो कुछ ही दिन पहले एक डिवाइस जिसका मॉडल नंबर M1805D1SG सिंगापुर की IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि Xiaomi Mi A2 Lite था। एंड ये स्मार्टफोन्स की हाईलाइट ये थी कि एंड्रॉयड वो स्मार्टफोन ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी Mi A1 का सक्सेसर स्मार्टफोन है। एंड उसके अलावा ये स्मार्टफोन के डिज़ाइन में फ्रंट में नॉच इंक्लूड किया गया है, बैक पैनल पे डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हालांकि हर स्मार्टफोन में नॉच इंक्लूड करना मेरे हिसाब से तो कंपल्शन नहीं है, बट क्यों सब लोग वो नॉच का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो अब तक मेरे समझ के बाहर है। एंड इसके अलावा हम लोग इसके इमेजेस में ये भी देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन के रियर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड हम टेना एंड सिंगापुर वेबसाइट के लिस्टिंग के मुताबिक जाए तो ये स्मार्टफोन के लीक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में 5.84 इंच का स्क्रीन हो सकता है विद HD डिस्प्ले। एंड इसके अलावा स्मार्टफोन में 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो तो होगा ही क्योंकि Xiaomi ने अपने हर स्मार्टफोन में 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो तो इंक्लूड कर ही लिया है। एंड इसके अलावा हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में 2 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर होगा, विद कौन सा स्नैपड्रैगन का वर्जन भी अब तक क्लैरिटी नहीं है। Mi A1 के बारे में बात करें तो उसमें स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट था, Mi A2 Lite में 625 या तो उससे 636 का वर्जन हो सकता है, बट उस पर अब तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि यह स्मार्टफोन 3 डिफरेंट वेरियंट्स में आ सकता है, 2 GB रैम के साथ 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, 3 GB रैम के साथ 32 GB का इंटरनल स्टोरेज एंड 4 GB रैम के साथ 64 GB का इंटरनल स्टोरेज। बट यस, नो कन्फर्मेशन टिल डेट। एंड इसके बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यह स्मार्टफोन में 3900mAh की बैटरी हो सकती है। एंड कैमरा के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, तो उसमें से प्राइमरी कैमरा है 12 MP सेंसर का, हालांकि सेकेंडरी कैमरा का सेंसर्स अब तक पता नहीं है। एंड उसके फ्रंट में भी यानी कि उसके सेल्फी कैमरा में भी 5 MP के सेंसर्स दिया गया है। बट फिलहाल Mi A2 Lite के बारे में यही स्पेसिफिकेशंस बाहर आए हैं, इतना ही पता है। इसके प्राइस के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में अब तक कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी लीक रूमर्स नहीं आए हैं। बट अगर मैं स्मार्टफोन को Mi A1 के साथ कंपेयर करूं तो मुझे कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। Mi A1 में एंड्रॉयड नॉगट 7.1 दिया गया था, विच इज़ ऑलरेडी अपग्रेडेबल टू एंड्रॉयड ओरियो। Mi A2 में भी ओरियो होगा तो वहाँ पे भी सेम है। स्क्रीन साइज में थोड़ा ज़्यादा फर्क दिया गया है। हाँ, बैटरी में नोटिसेबल डिफरेंस है बिकॉज Mi A1 में 3080mAh की बैटरी थी, जब भी इसमें 3900mAh की बैटरी का दावा कर रहे हैं। अगर कैमरा को देखें तो सेम है, प्रोसेसर को देखें तो Mi A1 में भी 2 GHz ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया था। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि Xiaomi को मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए और एक और बेहतर स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज वो अग्रेसिवली मार्केट में स्मार्टफोन्स लॉन्च करे ही जा रहा है विद मिनिमम डिफरेंसेस, तो कुछ मतलब बनता नहीं है। बट करंटली Xiaomi का जो बेस्ट स्मार्टफोन है मार्केट में वो तो अनडाउटेडली Xiaomi Redmi Note 5 Pro ही है। बट ये थे अपडेट Xiaomi Redmi Mi 2 Lite के बारे में, तो लेट्स वेट एंड वॉच कि Mi A2 कब फाइनली इंडिया में लॉन्च हो और ये लाइट वर्जन के भी आगे क्या अपडेट आते हैं। तो डेफिनेटली मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको ये बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जीनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।